नमस्कार, मैं सुशीला राय डिबरी, रोज़ की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, मसाले भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे खड़े मसाले होते हैं जो स्वादिष्ट और सुगंधित होते हैं, जैसे काली इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, जावित्री, जायफल आदि। इस प्रकार के खड़े मसालों का पाउडर बनाकर सब्जियों या अन्य व्यंजनों में डाला जाता है, इसे गरम मसाला कहते हैं। और खड़े मसालों में ही कुछ ऐसे मसाले होते हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है, जैसे सौंफ, धनिया आदि, जो हमारे शरीर को भीतर से ठंडक पहुंचाती है। इन ठंडे मसालों को पानी में भिगोकर, घोलकर या शरबत के रूप में इनका सेवन किया जाता है। इन्हें हम ठंडा मसाला कहते हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रोज की रसोई।